सुनील सिंह ताराम जी है, मोतीरावन कंगाली जी है, प्रकाश सलामे साहब है, इतना बड़ा जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, काम किए हैं, इसका जो फल स्वरूप अभी मिलने वाले हैं, तो ये हम अगर जागरूक होंगे तो ये फल मिलने वाले हैं। उसी के बाद हम अगर जागरूक सब लोग होंगे तो फिर हमको ये बोली धर्म, पोय धर्म ये जिंदा रहेगी और सब लोग बोली धर्म में, मुझे लगता है अभी हमारा जो जितना भी प्रोग्राम कर रहे हैं, कितना भी मैं देख रहा हूँ आदिवासी समाज में आदिवासियों को जगाने के लिए बहुत से कार्यक्रम होते हैं, लेकिन कोई भी कार्यक्रम हमारा समाज को इकट्ठा लाने के लिए काम नहीं कर रहे। लेकिन ये एक माध्यम है, सप्तरंगी झंडा, गोली धर्म, गोली संस्कृति, इस कार्यक्रम के वजह से ही हमारे लोग इकट्ठा आएंगे और आ रहे हैं। बहुत से सक्सेस हो गया है हमारे गढ़चिरौली जिले में, तो मुझे लगता है हर एक गांव में, हमारा गढ़चिरौली जिले में जैसा उदाहरण के लिए भामरागढ़ और धानोरा और कुरखेड़ा, ये दो तहसील जो है, ये दो तीन तहसील में हर एक गांव में हम प्रोग्राम लिए हुए हैं। हमारे जो नंदकिशोर नेताम सर साहित्यिक और बिच्छू वडे और उसी तरह संदीप वरखड़े, इनके साथ हम हर एक गांव में हम प्रोग्राम लिए हैं और हमारे लोगों का भी समझ में आ रहा है कि हम हमारी संस्कृति, हमारे गोली धर्म के लिए इकट्ठा होना चाहिए कर और हो रहे हैं। तो इस तरह हमारे ये मीडिया हमारे गोंडवाना दर्शन, हमारे जितना भी मीडिया है, अभी लॉकडाउन है, कोई कार्यक्रम ले नहीं सकते, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन किया, गोंडवाना दर्शन लाइव फेसबुक में, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। मैं हर दिन लाइव कार्यक्रम देख रहा हूँ। उस दिन का जो अशोक और मड़ावी जी का भी लाइव कार्यक्रम मैं देखा, बहुत से अच्छा मार्गदर्शन किया अशोक मड़ावी जी ने, जितना भी मार्गदर्शन हो रहा है बहुत अच्छा ही हो रहा है। और ये मार्गदर्शन का जो लाभ है, उस लाभ लेना चाहिए और हमारे लोग इसका जो प्रसार और प्रचार करना चाहिए, यही मेरा अनुरोध रहेगा। इस तरह मेरा जो जितना भी यहाँ विषय दिए थे, सुनील सिंह ताराम जी के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मेरा टाइम कम हो रहा है। मेरा बिच्छू बड़े दादा से निवेदन है कि मेरा जो विषय थे नियोजन के हिसाब से, मैं यहाँ पे मेरा समाप्त होने जा रहा है। बिच्छू बड़े दादा, आप लोग सुन रहे क्या? एक विषय के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, जातियाँ कैसे निर्माण होंगी, इसके बारे में। जातियाँ, जाति जो है हमारे गोंड जाति में बहुत से जातियाँ, माड़िया गोंड, राजगोंड, माझी गोंड, गायता गोंड, पेनवो गोंड, वाडे गोंड, पटाड़ी गोंड, कोया गोंड, कोरकू गोंड, बड़े माड़िया गोंड, परदार गोंड, इस तरह के जातियाँ जो है, ये जातियाँ कैसे निर्माण होंगी। जैसा उदाहरण के लिए मैं बोलूँगा
माड़िया गोंड, माड़िया ये जाति जो है हमारे गोंडी भाषा में माड़िया का मैं कुछ अलग निकाला। हमारे तरफ जो माड़िया माड़िया बोलते हैं जो दिखने में अच्छा नहीं है इस तरह के हमारे यहाँ बोलते हैं माड़िया, ये माड़िया है, ये माड़ियाल मंत्र लो। जैसे जंगल में रहने वालों को माड़, माड़ बोला तो जंगल, तो उनको कहेंगे ये जो जंगल में रहने वाले उनको माड़िया बोलेगी। लेकिन और उसके बाद में राजगोंड के बारे में बोलना चाहता हूँ। राजगोंड जैसे राजगोंड हमारे जो एटापल्ली आहिरी राजा के आसपास रहने वाले, राजा जो होता है राजा के आसपास रहने वालों को राजगोंड कहा गया है। उसी तरह जो माझी गोंड है, माझी गोंड माझी बोले तो लड़ाई करने वाले, उस वक्त राजा के यहाँ जो लड़ाई करने के लिए रहते थे जो शूरवीर उनको माझी बोलते थे। गायता बोले तो गांव में जो पुढ़ारीपन करने वाले उसको पुढ़ारी नहीं बोले जाते, गांव बसाने वाले। जैसा मैं हलामी हूँ तो हलामी का गांव जैसा पन्नेबरा में, पन्नेबरा ये हलामी का गांव है, पन्नेबरा ये हलामी लोग बसाए हुए हैं, इसलिए वहां का जो गायता हूँ मैं, मुझे हमारे जीआर में भी है गायता करके गायता गोंड। पेनवो गोंड भी है हमारे जीआर में, देखिए तो जीआर में भी पेनवो गोंड है। पेनवो बोले तो जिनको देव आता है, जैसे हमारे देव काम होते हैं नहीं क्या, उस वक्त देव चढ़ता है उसको सिराहा बोलते हैं, गोंडी में सिराहा बोलते हैं। जो देव काम होते हैं उस वक्त जो देव आता है उनके शरीर में देव चढ़ता है उनको बोलता पेनवो, पेन तो पेनवो, उनको पेनवो गोंड बोला गया है। उसी तरह वाडेगोंड भी हमारे साइड में बहुत से है। वाडेगोंड मतलब होता है जैसा वाडी मतलब लोहे को गर्म करके उसको नया चीज जैसा साकड़ी बनाते हैं। देव के जितना भी प्रतिकृतियां होते हैं देव के, साकड़ी बनाना, उनके मूर्ति बनाना, उनका काम था वाड़े का। उनको अभी दूसरा इसमें लोहार भी बोलते हैं, लेकिन वो लोहार अलग है। हमारे जो है वाड़े, ये वाड़े हमारे गोंडी है, लेकिन उनका काम था, वो लोग वाड़े के काम करते थे, लोहा को गर्म करके उसको और कुछ अलग चीज बनाते थे, देवी देवताओं के प्रतिकृतियां बनाते थे, वो लोग वाडे हो गए, तो वाडे गोंड हो गए। पटाड़ी गोंड मतलब पाटा मतलब गाना बोलने वालों को पटाड़ी। हमारे यहाँ बहुत से, हमारे गांव में भी बहुत से पटाड़ी गोंड है। देव में जाकर देव पूजा करते वक्त वो लोग पाटे थे, पेन पाटा उन्हीं का काम था पटाड़ी। पाटा बोले तो गाना, तो पटाड़ी गोंड में हमारे भी है पाटा गाने वालों को, यानी गाना गाने वालों को पटाड़ी बोलते, पाटा यानी, तो पटाड़ी गोंड बोलते हैं। कोपा गोंड मतलब, कोपा मतलब गाय चराने वाले, गया चराने वाले, उनको हमारे बोले जाते हैं। अभी कोपा में हमारे महाराष्ट्र में बहुत से बोगस आदिवासी हो गए,
मराठी में गोवारी बोलते हैं। और सर्वेक्षण के सर्वेक्षण जब किए, ये लोग बोले कि हम आप लोग कौन हैं, नहीं जी हम गाय चराने वाले, तो ये सर्वेक्षण वाले लिख दिए कि उनको सीधा गोवारी करके गोंड गोवारी। तो गोंड गोवारी ये शब्द यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, सिर्फ वहाँ पे आना चाहिए था कि कोपा गोंड करके। कोपा गोंड अगर उस वक्त अगर लिखे रहते तो ये गोवारी लोग यहाँ पे आए नहीं रहते। तो ये है कोपा गोंड। मरार गोंड, मरा मरा बोले तो झाड़, मरा बोले तो झाड़ होता है, तो झाड़ को जगाना मरा, मरा बोले तो झाड़, पेड़, पेड़ को जगाने वाले, मरा को जगाने वाला मरार गोंड। हमारे पन्ने मराजा आसपास में जितने भी जो मरार है, ये हलामी है और उइके है, सब मरार। हम उनको पूछते तुम कौन है, मरार है, लेकिन वो लोग पूरे हमारे ही संस्कृति को और हमारी संस्कृति के जैसा रहते हैं। वो लोग भी सात देव पांच देव वाले हैं, छः देव वाले हैं, लेकिन वो मरार करके। लेकिन अभी के टाइम में ये जो मरार है, ये जो मरार है ना, ये मरार, ये मराठी मरार से अभी जो शादियां कर रहे हैं, हम भी मरार तुम भी मरार करके, तो ये हो रहा है। हमारे गांव के जो मरावी है, तो ये लेनगुरे के लड़की अभी से वो शादियां की है। तो इस तरह के अभी ये लोग मरार जो है, तो ये मरार, ये मराठी मरावी यानी दूसरा हिंदू धर्म के मरार नहीं है। तो ये जो मरार है, ये मरार जो है, ये गोंडी संस्कृति को मानने वाले मरार है। उसी तरह कोरकू जो लोग है, कोरकू, कोरकू मतलब होता है मुर्गा, मुर्गा पालने वाला, कोरकू, कोरकू गोंड होता है मुर्गा पालने वाले। तो कोरकू जो लोग है, ये मुर्गा पालते थे, इसलिए उनको कोरकू बोला गया। उनका अभी कोरकू कोरकू हो गया, लेकिन वो मुर्गा पालते थे, इसलिए कोरकू, कोरकू मतलब मुर्गा, मुर्गा पालने वालों कोरकू। ये हमारे साइड में नहीं है कि यवतमाल अमरावती के साइड में कोरकू लोग है, और वो लोगों का जी धंधा था कोर्क पालने का, इसलिए उनको कोरकू बोले गया। देखिए इस तरह। तो उसी तरह जो परदान गोंड है, परदान, परदान मतलब होता है, उसका मराठी में अर्थ नहीं निकल सकता, हिंदी में अर्थ नहीं निकल सकता है, इसका जो अर्थ निकलेगा वो गोंडी में ही अर्थ निकलेगा। जैसा परदान गोंड है, परा, परा मतलब, परा मतलब वो वाद्य होता है, इसको बोले जाते हैं मांझरी, मांझरी पारता है वो, हमारे बस्तर एरिया में बहुत से है, और गढ़चिर जिले में अभी चालू हो गया, हर एक शादी में हम मांझरी बजा के ही हमारी शादी होती है। तो मांझरी, मांझरी को ही परा बोलते हैं, परा, परा मतलब परा बजाने वालों को परदान बोला गया है। तो मैं इसका अर्थ निकाला, अब दूसरा साहित्यिक लोग इसका अर्थ कैसे निकालेंगे, तो मेरा हिसाब से ये जो परा है, परा धान, धान यानी उसको यानी नाच नाच कर, नाच कर वो बजाना, मतलब पराधान यानी परा बजाने वाले को प्रधान बोला गया है। तो इस तरह यहाँ पे जो कुछ जातियाँ जो हमारे निर्माण हो गया है, जो माड़िया, राज, राजगोंड, माझी गोंड, रायता गोंड, पेनवो गोंड, वाडे गोंड, पटाड़ी गोंड, कोपा गोंड, मरार गोंड, कोरकू गोंड, तो इस तरह का जो हिल माड़िया, अभी कुछ लोग हिल माड़िया करके, बड़े माड़िया करके, जो इस टाइप जो बस्तर के टाइप बस्तर एरिया में रहते हैं उनको बड़े माड़िया, हिल माड़िया करके बोलते हैं। तो वो लोग लिखे हैं, और उस तरह हमारे जो जातियाँ, जातियाँ को विभाजन हो गया है, लेकिन जितना भी जातियाँ है, ये जातियाँ सब गोंड की ही जातियाँ हैं। इसलिए सब लोगों को मेरा नम्र विनती है कि ये जो जातिवाद अभी ख़त्म होना चाहिए, जो माड़िया, राजगोंड, माझी गोंड, गायता गोंड, पेनवो गोंड, पटाड़ी गोंड है, ये सब जातियाँ हमारे जो गोंडी संस्कृति, गोंडी कल्चर को मानना चाहिए, और हमारे गोंडी धर्म को मानना चाहिए, गोंडी धर्म को मान रहे हैं, और एक ही जगह आना चाहिए, और जब एक जगह आएंगे तभी हमारी जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई सक्सेस हो जाएगी। ये मुझे
यहाँ पे लगता है। हमारा सभा सगाजन को ये विनती है कि हमारी जितना भी जातियाँ है ये जातियाँ इकट्ठा आना चाहिए, सभी हम संघर्ष कर सकेंगे। लेकिन जाति भेद में हम अलग अलग होना नहीं चाहिए। ये जो ये जातिवाद नहीं था, जाति अलग अलग नहीं थे, लेकिन ये आर्य लोग आए तब से ये जातिवाद हो गया और इस जा रहे जो कोपागोंड अलग जा रहे, पटड़ी अलग जा रहे, परदान अलग जा रहे, तो ये जाति सगजन को विधान जनगणना 21 में जनगणना होने वाली है 2021 में, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग संख्या ज्यादा करके हमको जनगणना के और जैसा माड़िया एटापल्ली अहिरी भामरागढ़ के कुछ हमारे जमात है लिखेंगे, कुछ लोगों लिखेंगे गोंडी लिखेंगे, कुछ यवतमाल के जो कुरकू लोग हैं ये कुरकू लिखेंगे, कुछ आंध्र बॉर्डर के हैं जैसा तेलंगाना के है वहाँ के लोग हमारे कोया भी लिखेंगे, और कुछ लोग आदिवासी भाषा भी लिखने के लिए शुरू कर दिए, लेकिन आदिवासी भाषा नहीं है, आदिवासी शब्द ही हमारे लिए घातक है, इसलिए आदिवासी हमारे लिए जो स्वाभिमान अभिमान जागरूक नहीं करती आदिवासी शब्द, लेकिन कुछ लोग आदिवासी जो भाषा है आदिवासी संस्कृति लिखने के लिए बोलते हैं, लेकिन आदिवासी भाषा नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है जो हमारे कोइतर जन सब लोग अगर एक ही लिखेंगे तो क्या हो, गोंडी भाषा लिखेंगे तो हमारी जो जितना भी उस वक्त जो संख्या ज्यादा दिखेगी। अगर हम लिखेंगे माड़िया माड़िया भाषा, कुर्क भाषा, कोया भाषा, आदिवासी भाषा, तो हमारी संख्या जो है कमी दिखेगी, और कम दिखेंगे तो हमारी जो हमारी शक्ति है वो कम होने वाली है। इसलिए जानती है कि सब जगह सगाजन को कि इसमें जब होगी तब सब लोग गोंडी या गोंडी लिखना चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध आज का इस दिन में। तो इस तरह मेरा जो आज का जो प्रोग्राम का मुझे लगता है डेढ़ घंटा हो गया है, डेढ़ घंटा हो गया, तो इस तरह मेरा जितना भी सुनने वाले हम मेरे सगाजन हैं, मेरे भाईजन हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। उसी तरह दाई इस कार्यक्रम का आयोजक तिरुमाय उषा किरण आत्रम दाई को भी मैं सेवा जोहार करके उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। उसी तरह तिरुमाय सताली सिडमा के को भी मैं सेवा जोहार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम का आयोजक तिरुमाल नंदकिशोर नैताम को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। बिच्चू वड्डे सर इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। उसी प्रकार प्रकाश सलामी जी, संदीप वरखाड़ी जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और मेरा जो कार्यक्रम का समय था ये समय यहाँ पे ख़त्म होने जा